Hi guys, welcome back to Anam Khan Vlogs. How are you all? I hope you guys are doing well. ये तो वही बात हो गई कि इंडियन व्लॉग्स बनाएंगे तो बैकग्राउंड में इतना म्यूजिक आएगा, इतनी बातें होंगी, बहुत. तो गाइज हम जा रहे हैं नानी के घर पे दियोबंद, और क्योंकि हम इसलिए जा रहे हैं वहाँ पर हम इसलिए जा रहे हैं एक मिनट क्या है फ्रिज में बंद हम नहीं चला दूं यार, चीजें खराब हो जाएंगी. हम इसलिए जा रहे हैं नानी की क्योंकि जो हमारी कजन है मामा की बेटी, उसकी आज डेट जाएगी, तो इसलिए हम लोग इनवाइटेड हैं. और ये पति पत्नी को हम घर पर ही छोड़ के जाएंगे. डैडी और बेटा, बेटी, डैडी बेटा, डैडी बेटी है ये. व्हाट, ये डैडी है, ये वो नहीं है जो इसकी वाइफ थी. इसने अपनी बेटी से ही अफेयर चला लिया. कितना कम वक्त है. मुझे नहीं पता था ये बात, इतनी जबरदस्त. यार ये देखो पापा और बेटी, बहुत बढ़िया, अलग ही सीन चल रहा है इनका. तो हम अपने कैटी को नहीं लेके जाएंगे दियोबंद. पहले मम्मी इसको आखिरी बार खाना खिला रही हैं. मैं कह रहा मर थोड़ी ना जो आखिरी बार नहीं इस देना निकाल के वाला कौन सा वाला? तो ये यहाँ पर ये लोग रेडी हो रहे हैं. लव्स का पिंक वाला. रात को परफ्यूम मत लगाओ यार, फिर भूत चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर. इसे भूत चढ़ जाएंगे. हमारा थोड़ा महंगा फोन है तो भूत हम पे नहीं आते. लाओ फिर मुझे भी दे दो. तुम कौन सा लगाओगी? ले लगा दे मेरे हाथ तुम्हारा इतना सारा. थैंक यू. मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में इतना स्ट्रेस है ना. कभी ठीक भी रह लिया कर, कभी सर में दर्द, कभी कमर में दर्द. तो क्या करूँ, मैं इतना काम करती हूँ घर का भी और वैसा भी. कम ऑन, हम कश्मीर गए थे, तूने एक झाड़ू तक नहीं दिया हमारे पीछे. जले हुए स्टूकी, इंडिविजुअल जला हुआ स्टूकी लाया. जला हुआ नहीं था वो, भुना हुआ था. जले हुए और भुने हुए सारा पानी सुखा गया. तो मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, किस प्याज की रोटी इतनी मोटी और ऊपर से बोलती यार. अल्लाह की कसम खा ले. हर चीज में अल्लाह की कसम थोड़ी चलती है. पानी में डाल दो. डोडो सो रहा है तो. अरे कैसे सो रहा है? डोडो हम जा रहे. बाय डोडो, इसको प्यार कर लो. ऐसे ही रख दो. डर गया, डर पो. इसको पानी में या सुलाने दो? ऐसे ही सोने दो. ये सोने दो इसको. चलो इसको सोने दो. तो खाना रख दो. खाना ही डोडो खाना नहीं खाएगा. ये सोने दो. बाय डोडो. यार क्या बदतमीजी है. जाओ तुम इसे ऊपर छत पे और दरवाजा बंद कर देना. इंतजार कर रही. जाओ भागो. गो. चलो जाओ, वैसे तो तुम घर में रहते नहीं हो. जाओ, वैसे तो तुम भाग जाते हो. हम जा रहे हैं ना इसलिए. चलो चलो गो. जाओ बाय. गो बेबी. इसे पता चल गया. काश हम तुम्हें भी ले जा सकते. लगता है तुम्हारा. बाय जाना. दानिया तुम्हें अभी भी चैन नहीं है. हम जा रहे हैं और तुम खा रही हो. बहुत भूख लग रही. मुझे भी दे दे फिर. मुझे भी भूख लग रही बहुत तेज यार. और कहने को ये दोनों डाइटिंग पे हैं. थोड़ा से कुछ ना, मतलब बहुत कुछ होता है लेकिन सुबह से कैलोरीज इनटेक नहीं करी तो अब ले लेंगे तो वो कैलोरीज उसमें कवर हो गई. चलो भाई मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा मेरी तबीयत खराब हो रही. वो वाली दवाई ले लो. अनिल मलिक रात का ले लो. मुझे लग रहा है मुझे जुकाम होने वाला है. दिया को बहुत जल्दी हो रही है नानी के जाने की. चलो चलो अंदर. ये पकवान. नानी अम्मी, वी आर होम. नानी अम्मी वहाँ क्या कर रही हो? ठीक है, उधर ये रूम में उधर चल रहे हैं. आओ जैद. आसमान का मिलन. और सब ठीक ठाक हुआ है? हाँ सब ठीक ठाक. और भाई इंशा आर यू एक्साइटेड? तो तुम्हारा कल फर्स्ट फंक्शन है.
आर यू एक्साइटेड? तो कल सब आएंगे मेहमान, सबसे पहले हम ही आ गए यार। अच्छा फैमिली गैदरिंग होगी, ठीक है। सो गाइस रात हम सो गए थे, नाउ गुड मॉर्निंग नेक्स्ट डे, और ये शुरू हो गई हैं तैयारियां जोरों शोरों से। मम्मी कर रही हैं सबके कपड़ों पर प्रेस और मैंने ले ली है बाथ। हो गई बस, नानी नहीं बची, नानी मम्मा का भी दिया। अच्छा तो यहाँ पर अनम रेडी हो रही है क्योंकि हम लोगों की ब्राइड है, तो हमें जल्दी जाना है घर पे भी, वहाँ उनको भी अटेंड करना है, प्लस हमें यहाँ का फंक्शन भी अटेंड करना है, और हम बीच में छोड़ के भागना पड़ेगा हम लोगों को। और अभी तक कोई भी मेहमान नहीं आया है, बस थोड़ा बहुत काम चल रहा है, अभी तक कोई नहीं आया, फिलहाल तो कोई नहीं आया है। ये मैंने अनम की मेहंदी लगाई थी रात में, और अनम कह रही थी मैंने इसका ये गोला बहुत नीचे कर दिया हाथ का, कितना नीचे गोला और मेरा तो सेंटर में। तो तुमने पहले क्या लगाया है? बस मैंने आज कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है। कौन सी वाली? सो ये मेरा बहुत बेसिक मेकअप लुक था, बस मस्कारा, बीबी क्रीम और टिंट से मैंने अपना पूरा मेकअप कर लिया है। सिर्फ मैंने तीन चीजें कैरी की है और तीन चीजों में मैंने अपना मेकअप लुक कंप्लीट कर लिया। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, आज बहुत बेसिक सा लुक किया है क्योंकि फैमिली फंक्शन है नॉर्मल, मेरी कज़न की डेट जा रही है, तो मैंने बहुत बेसिक सा अपना लुक किया है, इतना कोई ज़्यादा नहीं सजना संवरना था क्योंकि फैमिली गैदरिंग है और सब हमारी खालाएँ आ रही हैं और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही इकट्ठे होंगे। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी ब्राइड है आज, तो हमें जल्दबाजी में निकलना पड़ेगा, और इस वजह से अम्मी हमारे लिए नाश्ता बना कर लाई हैं, और रात हम इसी वजह से रात आ गए थे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कज़न के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। अब हम फटाफट नाश्ता करके निकलेंगे क्योंकि हमें वहाँ पर 3 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम है। सो गाइज़ हम सुबह ही इसलिए जल्दी तैयार हो गए थे क्योंकि हमें ये था कि हम जल्दी से जल्दी अपनी कज़न के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, और मेहमान आएंगे तो हम सबसे पहले उनसे मिल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ से 12 बजे निकलना है और 3 बजे हमें अपनी ब्राइड के पास पहुँचना है। अब हमें घर से वैनिटीज़ भी उठानी थी और घर भी जाना था, तो 1 घंटा हमारा सफ़र में निकल जाएगा और प्लस आधा घंटा हमारा सेटअप करने में निकल जाएगा। तो इस वजह से आज का फंक्शन हमारा, क्योंकि काम भी ज़रूरी है और फैमिली गैदरिंग्स भी ज़रूरी हैं, तो हम दोनों चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं। तो क्योंकि 12 बजने वाले थे और बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, तो सब कहने लगे कि बस खाना ही खा कर जाना, तो मैं यहाँ पर देखने आई हूँ कि खाना कितना रेडी हो गया है और कितना बचा है। अभी तो इन्होंने मैरिनेट करके ही रखा हुआ है चिकन को, तो अभी तो शायद खाना बनने में टाइम लग जाएगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। यहीं से हो देवबंद से ही? है? तुम लोग रसगुल्ले? ठीक है जाओ। हाय डार्लिंग, अकेली क्यों बैठी हो? ओके एंजॉयिंग। तो गाइज हम सुबह ही रेडी हो गए हैं और यहाँ कोई भी मेहमान नहीं आया है, हमारी खलाए पता नहीं कब आएंगी, वो मुझे लगे अभी घर से निकली होंगी और वो आएंगी 1 बजे तक आएंगी, और अभी खाना भी बन के रेडी हो रहा है। हम सुबह ही रेडी हो गए यार, वो अब तक नहीं आई, अब हमें निकलना भी है, हमारी ब्राइड्स हैं। आके कदमों के नीचे है जब दरवाजा। तो मुझे शिफा मिल जाएगी डैडी के पैरों के नीचे, मेरी दवाई आ गई। शिफा मिल जाएगी, ठीक है।
अब ये दुआ अल्लाह के हुक्म से मिली और अल्लाह के हुक्म से प्यार रखा गया बाप का। निकल रहे हैं क्योंकि कोई भी मेहमान अब तक नहीं आया है और हमारी ब्राइड है, तो हमने सोचा था कि हम सब आ जाएंगे, हम गेट टुगेदर कर लेंगे और खाना वाना खा लेंगे तो निकलेंगे। अब कुछ भी जैसा प्लान किया था वैसा तो होता ही नहीं है, तो अब हम देख रहे हैं कि अगर हम रात को जल्दी फ्री हो गए ब्राइड से तो हम वापस यहीं आएंगे, अदरवाइज फिर हमें घर पर ही सोना पड़ेगा, है ना। रात को देख लेंगे अकॉर्डिंग टू टाइमिंग्स, फिर हम वापस आ जाएंगे। हम रेडी हो गए हैं, बहुत ज्यादा दिल दुख रहा है क्योंकि हमारे मेहमान आने स्टार्ट हो गए और हम जा रहे हैं। तानिया तू कितना खाना ले आई यार, उन्होंने खुद भी आया। क्या बात है। तो इंशा की फर्स्ट फंक्शन का पहला खाना हमने ही खाया है जो हमारे पापा ने हमें ला के दे दिया था। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं रात को घर पे। आप हर व्लॉग में इसको देखते हो। मेरा गुड्डा बड़ा हो गया यार, तुम कब आए? सो फाइनली हम पहुंच गए हैं दियोबंद और अब हम खा रहे हैं खाना। तो ये सबसे लास्ट का खाना हम लोग खा रहे हैं। आंटी पता नहीं कितनी देर से आई आंटी मेरी, मैं सुबह से ही सुबह तैयार हो गई थी। मैं हम तुम्हारी वजह से सुबह तैयार हो गए थे 10 बजे ही, है ना। जब ये जल्दी आएंगी तो भाई 2 बजे आई, तब तो 1 बजे तक चले गए थे। जी आंटी अस्सलाम तो भी करा ले दानिया चुमिया पपिया। और मैं तो बहुत बुरी हो गई, मेरे सारा फंक्शन खत्म कर दिया अपना। इतनी तो प्यारी हो रही लोग, पहली बार लाइफ में अनम ने ट्रिपलिंग कर रही है बिठाकर। मैं सबसे पीछे बैठी हूँ क्योंकि मैं, मुझे रास्ते ज़्यादा अच्छी तरह याद रहते हैं, तो मैं अनम को मतलब थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि कौन सी प्लेस पे मैं जाना है। तो अब हम जा रहे हैं फालूदा खाने। तो फालूदा की जगह जो है रेती चौक से आ गया है, फिलहाल दियोबंद नानी के घर आए हुए हैं। और देखो छपर निप्पा कैसे जा रहा है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं फालूदा खाने, ऐसे ही बैठे बैठे प्रोग्राम बना कि चलो चलते हैं। तो आंटी ने भी कह दिया कि हाँ चले जाओ, मम्मी ने भी कह दिया, तो हम तीनों ट्रिपलिंग कर रहे हैं। सो फन। मैं किस मंजिल का राही हूँ अंकल। हम एक बार फिर आपके शहर में आए हैं, तो आपकी ये फेमस फालूदे की छोटी सी, क्या कहूँ उसको मैं, दुकान है क्या है, नहीं बैन है, बना दो अंकल, छोटा हाथी बोल सकते हैं अंकल, अच्छे बनाना ठीक है, बहुत टेस्टी से। तो अंकल के फालूदे देखो कितने अच्छे होते हैं। अंकल ये थोड़ा अच्छा, ये कांच टूट रही है शायद, है कभी मेरे होंठ पे लग जाए और मेरे खुन्नम खून हो जाए। हाँ कुछ भी। तो अंकल के फालूदे बहुत अच्छे होते हैं, तो अब देखते हैं अंकल कैसे बनाता है। तो अंकल ने सबसे पहले क्या डाला आपने? फालूदा। ये फालूदा होता है वाइट वाइट सा कलर का, ठीक है। दीज गर्ल्स आर लाफिंग अ लॉट। दिखाइए अंकल। अच्छा फिर ये आपने इसका एक्सेस वाटर निकाल दिया। हाँ पानी है, ठीक है। अच्छा ये पानी होता है, रुखा पानी, अच्छा रुखा पानी, ठीक है। तो अंकल ये क्या डाल रहे हैं बाप? ये सब जगह बीज, ये चिया सीड है या तुकमलंगा? तुकमलंगा ये, अच्छा। ये दूसरे अंकल भी हमें देखकर हंस रहे हैं यहाँ पे। अंकल आपको पता है दोनों बहुत फेमस हो गई। तो अंकल अब ये क्या डाल रहे हैं आप? अंकल डाल रहे हैं घुट्टी, जो
खांसी की दवा होती है? नहीं ऐसा भी नहीं है, कफ सिरप तो नहीं है ये। ये रोबजा है, गुट्टी डाल रहे हैं बच्चों की। छोटी बच्ची हो क्या? तो अब यहाँ पे इस तुक मलंगा की देखो कैसे वाओ रोबजा डाल रहा है। शहर में नाइट आउट कर सकते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था। अंकल का जो रोबजा है वो थोड़ा साइड से बिगड़ गया, स्टाइल दिखाने के चक्कर में बाहर निकाल दिया। अंकल थोड़ा स्टाइल में आ गए कि उनकी वीडियो बन रही स्टाइल में की वजह से। अब अंकल ये क्या डाल रहे हो आप? रबड़ी। ये है रबड़ी, वाओ। मैं स्टाइल नहीं दिखा रहा हूँ, ये फ्लेवर आ जाता है ना। ये होता है स्टाइल, यो अंकल का स्टाइल फेमस। अभी आप घुमा रहे हो चम्मच से, सबको मिक्स कर रहे हो आप ताकि सब टेस्ट बराबर आ जाए। ठीक, यहाँ पे चुगलियाँ कर रहे हैं दोनों। समझ में नहीं आ रहा है किसकी चुगलियाँ हो रही हैं, बट गाइस मुझे नहीं पता किसकी चुगलियाँ हो रही हैं। रात के 2:30 बजे हम तीनों घर से चले। तो अब अंकल ये क्या डाल रहे हो आप? ये स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम डाल रहे हैं, स्ट्रॉबेरी, ये वनीला। दो दो डाल रहे हैं इस टाइम अंकल फुल जोश में, अपनी अच्छे फालूदा की वजह से वो बढ़िया सा बना रहे हैं। अब अंकल की शॉप फेमस हो जाएगी, सब जो तो भी फालूदा की शौकीन है वो अंकल के पास ही आना और इनका स्टाइल देखना कैसे कैसे ये उछालते हैं रोज़। हिंदी भी करते जा रहे हो, वीडियो भी बना रहे हो, दोनों करते जा रहे हो। ये क्या है, टूटी फ्रूटी? अंकल ये ज्यादा डालना मेरे में। जेली, जेली। ये जेली है, मतलब जिसको हम टूटी फ्रूटी भी बोलते हैं। ये मेरे में ज्यादा डालना, ड्यूटी फ्रूटी जो हम आइसक्रीम्स में भी है ना टॉपिंग्स पे होती है, पर इनकी वाली अच्छी है थोड़ी क्योंकि ये जेली है। देखो जेली बन गई, कोई बात नहीं। फालूदा, और देखो चांद भी कितना बढ़िया है आसमान। बादाम, ये घर में ही कूट कर रखते हो? इमाम दस्ता में खरल, उसमें छैली, जिससे छैली काटते हैं मशीन से। ये अंकल अब हमारे उसमें बादाम डाल रहे हैं। ओहो, और अंकल के थोड़ा हॉपलेस में बादाम। अब अंकल बादाम चुग रहे हैं अपने। अंकल को ये वीडियो महंगी ना पड़ जाए, ये कहेंगे साला वीडियो के चक्कर में नुकसान हो रहा है। चलो, बहुत बेहतरीन फालूदे बनके तैयार हो गए। तो आप गाइस जब भी दियो बनाए तो यहाँ के फालूदे जरूर खाइएगा, बहुत अच्छा बनाता है, मस्ट ट्राई। और इन्होंने अपने अपने ग्लासेस ले लिए, रोड साइड खा रहे हैं लोग। तो गाइज हमने यहाँ सारे ग्लासेस ख़त्म कर दिए, तो ये लास्ट वाला मेरा और मेरी कज़न का बच गया क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा मीठा अवॉइड कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। और हमने बाकी घर वालों के लिए बेहतरीन कुल्फी पैक करवा ली है, ये भी पैक कर दीजिए ये वाला, ठीक है? तो हमने पैक करवा लिया। छोड़ दो ना मीठा, छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते देव बाबू, माँ ने कहा शराब छोड़ दो, तुमने कहा मीठा छोड़ दो, एक दिन आएगा वो कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो। नहीं चुन रही बाबू, नहीं। पागल हो अभी क्या? तो यहाँ पे इसने ये ले लिया। तो यहाँ पे अनम ना मतलब फर्स्ट टाइम ट्रिपलिंग कर रही है, तो आगे हो जरा मेरी जगह कहाँ है, इतनी सी फट्टे पे बैठ के नहीं बहुत है, अब तो मैं पतली हो गई हूँ। हम जा रहे हैं घर की ओर, घर की तरफ जा रहे हैं। ये नम चला रही है। तो मैं तो अनम कुत्ते पीछे लग जाएंगे, कुत्ते पीछे लग जाएंगे। ओह माय गॉड, बम्स आ गए बीच में। इधर लेना है, नहीं इधर नहीं, सीधा लेना। हाँ एक मिनट,
ये कुत्ते का शॉट लग गई। तो यहाँ पे जो असमिया है, हम लोग अभी कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं इस बात की कि इसको हम थ्री इडियट्स का बाप बना देते हैं। वो बीच में बैठ के हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अनम इस वक्त है वो आमिर खान और मैं हूँ करीना कपूर, क्योंकि करीना उसके पीछे बैठ के आती है तो मैं करीना हूँ और अनम आमिर खान है और ये बीच का बुढ़ा है। चलो एक्टिंग कर बुढ़े की। अरे हटो, ये कुत्ते पीछे लग गए इनके लोगों के। नो नो नो, हट जाओ हट जाओ। जिन्नात ने बाप क्या इसलिए अभी वो बाप की तरह एक्टिंग नहीं कर सकता, उसके हाथ में भूल गया है तो ये कर नहीं सकती, मजबूर है। हमारी फैमिली में सब देख रहे हैं आपकी वीडियो और जहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो आप, फैमिली से संबंधित चलाते हो तो बहुत मजा आता है और ये नहीं लगता है कि ये लोग पाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा घर जो बंद नहीं है, अब कल भी आना हो बस स्टैंड रोड पे भारत शूज स्टोर के नाम से शूज की दुकान है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उठ गए हैं हम लोग। मैं तो सबसे पहले मुझे ना गर्म पानी पीना चाहिए। असनिया मुझे भी दे दो चाय। हम तो चाय पी के उतरेगी। चावल खाए सो गाइस, कल हमें इतनी ज्यादा थकान हो गई, ऊपर से हमने नान चावल और फलूदा इतना कुछ खा लिया था कि सुबह को मेरी आंखें इतनी ज्यादा स्वेल कर रही थी मैं बता नहीं सकती। आई लव यू नानी अम्मी, आई लव यू टू। ठीक है, आई लव यू टू। ठीक है। सो अब हमारा सफर शुरू होता है बाजार का। हम सब ने डिसाइड किया कि चलो मार्केट चलते हैं, अपने लिए कुछ शॉपिंग करते हैं। कहाँ जा रहे हैं दानिया? कैसे डॉटो बांधा है ये जल्दबाजी में? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे तो आदत भी नहीं है। तीनों गांधी जी की परियां आगे आगे जा रही हैं। फन करने आए हो या क्या करने आए यहाँ पे? फन, जहाँ का जम से वहाँ फन। कुछ खरीद भी लेना। तो हम आए हैं देवबंद में रॉयल कलेक्शन के। यहाँ पे बताना चाहूँगी, इनके पास बहुत अमेजिंग वैरायटीज़ रहती हैं और ये पाकिस्तानी सूट्स में काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी। प्लस बताना चाहूँगी, पाकिस्तानी सूट्स ओरिजिनल भी ये लोग देते हैं और रेप्लिकास भी देते हैं, वो आप देख सकते हैं। सब भी वैसे ही बता रहे थे कि सब मोस्टली तो ओरिजिनल ही है। मारिया भी, रमशा, बहुत सारे ब्रांड यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये अच्छा लग रहा है। असनिया ले रहे हो क्या फिर आप ये वाला? ये असनिया को पसंद आया ना? इस पे रेड लिपस्टिक अच्छी लगी। सो अगर आप देवबंद आए या देवबंद से शॉपिंग करें तो आप इनको जरूर विजिट करना, बहुत अमेजिंग कलेक्शंस थी इन लोगों के पास। एड्रेस क्या है आपकी शॉप का? सरसटा सरकटा। देवबंद में वैसे ही सरकटे फेमस है। रात हमारी मम्मी कह रही इधर से न जाओ, इधर जिन नमाजें पढ़ते हैं। तेरी जिन पढ़ाई पढ़ते हैं यहाँ पे तो हमें दिख जाएगी अगर हम देखें।
मेरी प्यारी सी कजन मेरे लिए एग बना कर लाई है। आय हाय हाय हाय, हल्दी वाला अंडा है क्या? हल्दी वाला अंडा।